देख रहे हैं सरोज दर्पण न्यूज़। मैं हूं नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया। आज मैं बेतिया के अंदर रंजना डेंटल क्लिनिक एवं ट्रामा सेंटर के अंदर मैं मौजूद हूं और डेंटल दांत के बेतिया के प्रसिद्ध और मशहूर डॉक्टर जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर धीरज कुमार मिश्रा जी, जिनसे हम आज बात करने के लिए आए हैं, दांतों की समस्याओं के बारे में जानने के लिए आए हैं। बेतिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं, कोई हार्ट का ऑपरेशन करता है तो कोई किडनी का है, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से आज दांतों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। ये डॉक्टर धीरज कुमार मिश्रा जी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपके पास दांत के पेशेंट आते होंगे, दांतों में दर्द होता होगा, मतलब दांत सूज जाता होगा, बड़ी बड़ी बीमारियां, खोड़ला हो जाता होगा, तो मतलब किस किस तरीके के पेशेंट आपके पास आते हैं और किस तरीके से उनको आप हैंडल करते हैं, कौन कौन बीमारियों को? जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर धीरज कुमार मिश्रा रंजना डेंटल क्लिनिक से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहुत तरह की बीमारियाँ आजकल दांतों में हैं, जिसमें खासकर लोग ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके दांत में पानी लगता है, सेंसिटिविटी जिसे कहा जाता है, खाने में समस्या होती है, दांतों में कैविटी जिसको खुड़ीला लोग बोलते हैं आमचाल की भाषा में, ऐसी समस्याएं ज़्यादातर लोगों को होता है। तो आजकल पहले जैसे था कि दांतों में कीड़ा लग जाना, पानी लगना, सेंसिटिविटी हो जाना, तो लोग दांतों को उखाड़ते थे, पहले के प्रोसेस यही था। बट आजकल एडवांस डेंटिस्ट्री में अब दांतों को बचाया जा रहा है, जिसको दांतों की नस के इलाज के द्वारा, इवन आप जो दांत सड़े गले हैं उनको भी आजकल बचाया जा रहा है, जिसमें पोस्ट एंड कोर का सुविधा के साथ इलाज कर के किया जा रहा है। तो ऐसे दांतों में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जैसे पैरिया होता है, मवाद आ जाता है, दांतों बच्चे के जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनके दांत, जो जिनको दूध का दांत कहा जाता है, आजकल के लोग की जानकारी के बिना उन्हें अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, खुड़ीला हो, तो दांत को निकलवा देते हैं। बट ये काफ़ी ही नुकसानदायक होता है, नुकसान पहुंचाता है दांतों को।